बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्रेडिट कार्ड मंथली पेमेंट सिस्टम बिफोर ड्यू डेट किस तरह से हम मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड एक्सेल में आज की स्टूडियो में सीखने को मिलने वाला एडवांस इफ कंडीशन के साथ फॉर्मूला कैलकुलेशन में समझाऊंगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, जो नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, ठीक है जी। तो लाइक्स और शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो अगर अच्छी लगती है, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे। अब क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं उनका पेमेंट सिस्टम हर महीने की अगर 4 तारीख या 5 तारीख तक परचेजिंग या शॉपिंग वगैरह करते हैं वो, ठीक है जी। तो जो भी पेमेंट्स होती है क्रेडिट कार्ड की वो आपकी एवरी मंथ की 26 तक या 27 तक पे होती है। अगर आप हर महीने की 4 से 5 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट परचेज कर रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं तो वो आपकी अगले महीने की 26 को पे कर दिए। तो ये सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक किस तरह से काम करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि हर महीने की 26, अभी जैसे 11 फरवरी है तो ये 26 फरवरी की पे में नहीं आएगी, आएगी आपकी मार्च की 26 की पे में। अब जैसे 5 जनवरी है तो ये आपकी अगर 5 तक हमें रखनी है कंडीशन, तो फिर 5 की अगर शॉपिंग है तो ये 26 जनवरी तक ड्यू डेट में पेमेंट करनी होगी इसकी क्रेडिट कार्ड की। ये सिस्टम एवरी मंथ का जो बिलिंग साइकिल सिस्टम होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, या आज की स्टडी के एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, तो इसके लिए क्या फॉर्मूले लगेंगे, इसमें डेट फंक्शन के हवाले से कुछ कैलकुलेशन होगी इफ के साथ, ठीक है जी। अब इसमें इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ पे, और इसके साथ डे पहले अलग करेंगे, डे के लिए इक्वल डे इस डेट के अंदर से, ठीक है जी। इफ लॉजिकल टेक्स्ट में डे सेलेक्ट करा, अगर हमने कहा इसमें डे होता है ग्रेटर या इक्वल 5। फॉर्मूला कोई भी लगा रहे उसको समझना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ग्रेटर इक्वल, यानी ये ज्यादा या बराबर 5 होना चाहिए डेट। अगर आपकी कंडीशन 6 तारीख तक की शॉपिंग को इस महीने की 26 के अंदर तक पे करना है तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, वो आपकी पर टारगेटेड डेट होगी। तो मैं 5 तक देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसके बाद वैल्यू एफ ट्रू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने डेट फॉर्मूला यूज किया, डेट में से ईयर फंक्शन यूज किया, इस डेट के अंदर से ब्रैकेट ओपन से पहले गया ईयर, तो ईयर में से हमने ईयर फंक्शन लगाया ब्रैकेट ओपन, और फिर इस डेट का ईयर बताए कॉमा मंथ के लिए मंथ फंक्शन, जब ईयर लग रहा था ब्रैकेट क्लोज किया तो यहाँ पर डेट फंक्शन ऑन हुआ, मंथ की जगह मंथ फॉर्मूला, सेल क्लिक मंथ, इस डेट का मंथ देखें, और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए एवरी मंथ की जो होनी चाहिए 26 तारीख, ठीक है जी। तो यहाँ पर डे की जगह कॉमा के बाद हमने डायरेक्ट 26 टाइप कर दिया, आपकी जो मैक्सिमम ड्यू डेट होगी, और ये फर्स्ट हम कब कह रहे हैं जब ग्रेटर इक्वल 5 होगी, तो 26 तारीख को शो करना है लेकिन अगले महीने की, तो यहाँ पर मंथ में हम क्या करेंगे प्लस 1, ठीक है जी। इस तरह से हम मंथ के अंदर एक प्लस 1 करेंगे, तो अगर 5 से ज्यादा होगी इस मंथ की, अगर इन्होंने कुछ परचेजिंग वगैरह शॉपिंग वगैरह करी है तो अगले महीने की 26 की ड्यू डेट को शो करना चाहिए, यानी ये फंक्शन उसके लिए आ गया। और ये हमने कहा यूज किया इफ के साथ ट्रू के लिए, वैल्यू इफ ट्रू। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू इफ ट्रू, और यहाँ पर डेट का फंक्शन ब्रैकेट भी क्लोज, कॉमा लगाएंगे, इफ पे काम हो गया, ठीक है। डे यहाँ जो हमने लगाया था लॉजिकल टेक्स्ट, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू। अब अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स होगी यानी डे जो होगी वो 5 से कम है, ठीक है जी, 5 के अंदर अंदर है, तो 5 के अंदर अंदर अगर होगी तो फिर क्या करना है, इसी वाली कंडीशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और कंट्रोल सी कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके कॉमा के बाद कंट्रोल वी पेस्ट, प्लस 1 हटा देंगे। सिर्फ ये चेंजेस करनी होगी, यानी अगर 5 से कम हुए डेज तो वो इस महीने की जो 26 होगी उसकी ड्यू डेट यहाँ पर लिखी हुई शो होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक जो होगा इसकी पेमेंट सिस्टम की कैलकुलेशन को आपके सामने शो करेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, ड्यू डेट जिस दिन की शॉपिंग है परचेजिंग है वो एंट्रीज करनी है, और क्लोजिंग डेट से पहले ड्यू डेट से पहले पहले ये खुद ब खुद आपको हर महीने का बता देगा कि ये इस मंथ की पेमेंट में आएगा या नेक्स्ट मंथ की पेमेंट में जा रही है आपकी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू ऑफ फॉल्स का ब्रैकेट क्लोज कम्प्लीट हो गया हमारा, एंटर। अगर ये फॉर्मेट इस तरह से आ रहा हो डेट में नंबर
फॉर्मेट में आंसर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसी तरह से ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट पे एंटर पे क्लिक, और इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें 11 फरवरी है, तो मैंने क्या कहा था 5 से अगर ज्यादा की डेट के ऊपर शॉपिंग हो रही है इस मंथ की तो अगले महीने की 26 पे जाएगी, तो फरवरी 26 मार्च। अगर मैं इधर 5 कर देता हूँ जो कंडीशन हमने क्या दी है ग्रेटर इक्वल 5 पे, अच्छा ग्रेटर इक्वल 5 पे भी अगले महीने की 26 पे जाएगा, चेक कर लेते हैं, फरवरी की जगह मैं 5, 11 की जगह 26, अब मैं 4 करूंगा तो ये 26 फैब की ड्यू डेट दिखाएगा आई थिंक, अगर फॉर्मूला हमारा सही है। 26 फैब आ गया, यानी कोई डाउट वगैरह नहीं है इसमें, क्लियर है। डबल क्लिक ऑटो ड्रैग हो जाएगी डबल क्लिक से जहां तक कि आपकी एंट्रीज होंगी, फुल डिटेल वगैरह मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं करी है। सिस्टम आप जितनी शीट्स वगैरह की आपको डिटेल वगैरह बनानी होगी वो आप अपनी ऐड कर सकते हैं, बाकी जो मेन चीजें थी वो मैंने इसके अंदर फॉर्मूला वो कैलकुलेशन आपको समझाइए। अभी देख ले, 5 जनवरी है तो 26 फेब में चलेंगे, 9 अप्रैल, 26 मई, 21 मार्च अप्रैल, और इसी तरह ये अप्रैल मई जैन फेब, इस तरह से, ठीक है जी। तो जो जो 5 से ज्यादा की डेट होगी अगले महीने की 26 तारीख की, उनकी ड्यू डेट बनेगी, ठीक है जी। अब आपको जो भी टारगेटेड डेट रखनी है 26 27, वो आप इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन मौजूद है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।